अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दूल्हे राजा मंडप में विराज गए हैं, अब जयमाल के लिए दुल्हन को भी बुला लीजिए। कली कहाँ रह गई, इतना टाइम क्यों लग रहा है उसे? सुजाता, मुझे तो लगता है कली ने अपनी बात पूरी कर ली। अब विलंब हो रहा है, कन्या कहाँ है? उसे मंडप में जल्दी बुलाइए, मुहूर्त बीता जा रहा है। पंडित जी, हम देखकर आते हैं। बुआ, आपकी चहेती कली कहीं शादी का मंडप छोड़कर भाग तो नहीं गई? सुजाता, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी होने वाली बहू के लिए ऐसी बात करते हुए? नहीं नहीं बुआ, हाँ, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस कह रहे थे कि कली लो, कली आ गई। अगर आप बुरा ना माने तो अपनी होने वाली बहू को हम मंडप तक लेकर चले जाएं? हाँ हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। तुम तो भाग जाने वाली थी ना, फिर बाहर क्यों आई? भागे क्यों नहीं? हम भागने वाले थे, पर इतने में माँ आ गई और हमें मौका ही नहीं मिला। तो कली बिटिया, इरादा क्या है तुम्हारा? हम ये शादी नहीं होने देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई अपशगुन जरूर कर देंगे। और कुछ नहीं हुआ तो भले हमें चलती शादी में आग लगानी पड़े, हम वो भी करेंगे, पर ये शादी नहीं होने देंगे। अरे कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे तुम्हें। आओ। आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। अब वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाए। एक गेंदा फूल, वहां देखो वरमाला रखी है, वो लेकर आओ। कली वरमाला लो। सुजाता, अब तो नई बहू के स्वागत की तैयारी तुम कर ही लो। मुझे इस कली पर कतई भरोसा नहीं है। हम अपने मुन्ना के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे भाभी। लो दिव्यम बेटा। पहले वधू वर को वरमाला पहनाए।
अरे भाई दूल्हे राजा तो नखरे करेंगे ही, कली बेटा तुम गांव की ताकत दिखाओ। दिव्यम अब तुम्हारी बारी। एक फुट बड़ी दादी बस आ गया। गेंदा फूल इतने अपशगुन करती रही तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तब तो एक शब्द नहीं बोले, और जरा सी जयमाल गिर गई तो सबने हाय तौबा करना शुरू कर दिया। अरे जयमाल तो सिर्फ नाम की रस्म है, हमारे हिंदू धर्म में फेरे, मंगलसूत्र और सिंदूर ये मुख्य होता है ना पंडित जी? जी हाँ आप ठीक कह रही। चलो तुम लोग आगे की विधि के लिए नीचे बैठो। वैसे हम ही बेवकूफ थे जो हमने इस गेंदा फूल को काम सौंपा, हम ही कर लेते तो अच्छा था। और ये तो वैसे भी शुरू से शादी में अपशगुन पे अपशगुन करे जा रही है। जाओ दूर हटो यहां से। भाई साहब कली के बापू आज यहाँ पर नहीं है तो हमको इस शादी की बहुत चिंता हो रही है। हम एकदम अकेले हैं ना, इसलिए हमको शायद ज्यादा चिंता हो रही है, कहीं शादी में कोई ऊंच नीच ना हो जाए। फिर क्या हुआ अगर कली के बापू नहीं है तो? हम हैं ना उसके मामा, और हमारे होते हुए कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। ये शादी हम कभी नहीं होने देंगे। ये कली जी तो आ गई, अब इस शादी को रोकेंगे कैसे? धन्यवाद भाई साहब। क्या? हाँ माँ, आज उन दोनों सासों ने हमारा चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की है, तो हो सकता है वो शादी में भी कोई ना कोई अड़चन जरूर पैदा करेंगी। आपको बाहुबली जी का अच्छे से ध्यान रखना है, उनका जोरदार स्वागत करना, उनकी आव भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज उनका हमारे साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं ना? तो चिंता मत कर, हम सब देख लेंगे। कली जी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, हम दिव्यम जी की शादी नहीं होने देंगे, अब हमें ही कुछ करना होगा, पर हम करें क्या? राधिका इसी बात का डर था मुझे, एक झूठ की वजह से बात कहां से कहां तक पहुंच गई। प्लीज कुछ भी करके तुम ये शादी रुकवाओ। दिव्यम जी हमारा रिश्ता भोलेनाथ की मर्जी से हुआ है, लेकिन इस रिश्ते को बचाना हमारी भी जिम्मेदारी है, और हम इसे किसी भी कीमत पे बचा कर रहेंगे। वर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाए, वधु भी अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाए। हे भोलेनाथ प्लीज हमारी मदद कीजिए, कैसे भी करके ये शादी रोक दीजिए। Shake, 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 shake
समझ गए भोलेनाथ हमें क्या करना है। अलीसी का फोन टूटा हुआ है। आप ये कैसा घटिया इल्जाम लगा रही हैं हम पे नौकरानी जी? कली जी अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए ना। हमने जो कंगन बिलई मुलई जी को दिए थे हमने वही कंगन आपकी सहेली शन्नो के हाथ में देखे थे। अब जरूर उनसे मिली हुई है। बिलई मुलई ये तो शन्नो के भाई और पति है। अरे आप लोगों को इस नौकरानी की बात पर हमसे ज्यादा यकीन है? हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। ये नौकरानी हम पर अनशन इल्जाम लगा रही है। सरपंच जी आप इन शहर वाले लोगों की बातों पे यकीन मत कीजिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं। शहर वाले झूठ बोल रहे हैं पर गांव वाले तो नहीं बोलेंगे ना। अब गांव वालों को सब कुछ सच सच बताओ वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। हमें माफ कर दीजिए, हम आपको सब कुछ सच सच बता देते। जी बस आप देखना चाहते हो ये देखिए। पर ये बात सही है कि कली जी हमारी बॉस है। शहर वालों की बात फिर भी ना माने पर ये दोनों तो हमारे गांव के ही है ना, फिर इनको कैसे झुटला दें? कली बिटिया शहर जाकर तुम गैर कानूनी काम करने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी तुम्हें जो हमारी इज्जत के साथ तुमने इतना बड़ा खिलवाड़ किया? बताओ क्या जवाब दे दादी सास जी? हमारे पास तो शब्द ही नहीं है, हमरा तो मर जाना ही बेहतर है। अली, अली, क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। हमें साफ साफ बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है कि तुम अपने आप को मारना चाह रही हो लेकिन सच बताना नहीं चाह रही हो। क्या छुपा रही हो तुम हमसे और क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बताएं दादी सास जी, बचपन से लेकर आज तक आपने हमें दिव्यम जी के साथ शादी करने के सपने दिखाए, हमें उनकी अर्धांगिनी बनाने का वादा किया लेकिन हमने जगह तो किसी और नहीं ले ली थी। मतलब कली बिटिया हमें बताओ अगर तुम्हारे दूल्हे ने तुम्हें धोखा दिया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप रुकिए बाहुबली जी, दिव्यम ये कली क्या कह रही है साफ साफ बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? हाँ बड़ी दादी, दिव्यम जी की किस्मत के तार किसी और के साथ जुड़ चुके हैं और वो कोई और नहीं बल्कि हम हैं। इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि दिव्यम जी की पत्नी है। एक गेंदा फूल, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सरासर झूठ है, तुम दिव्यम की पत्नी हो ही नहीं सकती और वैसे भी हमारा दिव्यम कभी तुम जैसी मोटी लड़की से शादी कर ही नहीं सकता।
सॉरी बड़ी दादी, लेकिन यही सच है। राधिका मेरी पत्नी है। और कली ये बात हमेशा से जानती थी। सब लोगों ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा राज छुपाया, क्यों? बड़ी दादी, मैं माफ कर दीजिए कि हमने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई और इतने समय तक आपको सच नहीं बता पाए, लेकिन हमारी शुरुआत ही इतनी गलत हुई थी। आपने आते ही हमें नौकरानी समझ लिया और फिर हमें बताने का मौका ही नहीं मिल पाया, और उसके बाद जब हमने आपको सच बताना चाहा तो आपकी तबीयत अरे हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, अपनी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है, हम तो कहीं बूढ़े गारे लायक ही नहीं रहे। कली, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। माना कि इन लोगों ने हमारी शर्म करके हमारे सामने मुंह नहीं खोला, लेकिन तुम तो हमें बता सकती थी, तुमने हमसे क्यों छुपाया? कैसे ये कुछ भी बताती आपको बुआ, इसके मन में तो खोट था। इसने सिर्फ आपको ही धोखा नहीं दिया, इसने हम सबको भी धोखा दिया। धोखे से ये लड़की हमें यहाँ गाँव में लेकर के आई, झूठा दिलासा दिलाया इसने कि ये शादी के मंडप से भाग जाएगी, लेकिन नहीं, इसके इरादे तो हमेशा से कुछ और थे। ये तो दिव्यम के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। अरे जीवन तो हमारा बर्बाद हुआ है सास जी, भरे समाज में हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। और दादी सास जी, हम आपको सच बताना चाहते थे, पर आपकी उम्र का लिहाज करके हम आपको नहीं बता पाए। हमारी उम्र का लिहाज, हमें डर था कहीं इतना बड़ा सच जानने के बाद आपको सदमा ना लग जाए। अब आप जानती हैं कि हमारे लिए आपसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं है, इसलिए हमने शादी से भागने के बारे में भी सोचा था, पर अगर हम ऐसा करते तो हमारी माँ इन गाँव वालों को क्या मुँह दिखाती। अब हमसे ब्याह कौन करेगा? हमारे माथे पर तो छोड़ी हुई लड़की का दाग लग गया, ये पहाड़ सी जिंदगी अब अकेले कैसे कटेगी? दादी सास जी, आपके परिवार वालों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। माना कि हमने तुमसे सच छुपाया, ये हमारी गलती है, लेकिन हमारी गलती इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी गलती तुम्हारी है, समझी? तुम सब सच जानती थी, तुम्हारे पास मौका था बड़ी दादी को सब कुछ सच बताने का, फिर भी तुमने जानबूझकर अपनी मर्जी से सच छुपा कर रखा। राधिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए तुमने उसको किडनैप करवा दिया। इस किडनैपिंग के जुर्म में मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगा। अभी पुलिस को फोन करता हूं। हमारे गांव में आज तक पुलिस ने कदम नहीं रखा है। जो भी दिक्कतें आई, हम गांव वाले मिलकर उसका समाधान किए। ये हमारी परंपरा है और उस परंपरा को तुम तोड़ नहीं सकते। सजा तो मिलनी चाहिए। सजा हमारी कली को नहीं, इन बंसल परिवार को मिलनी चाहिए। अरे हमारी बिटिया को तो शादी के नाम पर सबके सामने बुआ जी अपने साथ शहर लेकर गई थी। गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारी बिटिया की शादी तय हुई थी, लेकिन इन बंसल परिवार ने हमारी बिटिया की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। हमारी कली का तो दिल ही तोड़ दिया, शादी का वादा किसी और के साथ किया और अपने बेटे की शादी किसी और के साथ कर दी। जाने दो माँ, इन लोगों को क्या पड़ी है हमरी? आज हमारे पिताजी यहाँ होते तो वो सबको देखते, अब हम दो अपना औरतें क्या ही कर लेंगी? हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे ना माँ, हम गंगा मैया में खुद की जान दे देंगे। हमरा क्या होगा माँ? ये सब नौटंकी है। लेकिन देवम जी,
कहीं ना कहीं गलत तो इनके साथ भी हुआ है ना। कब तक अच्छाई की मूरत बनी हुई रहोगी राधिका? देखो जरा अपनी खुली आंखों से, इसने तुम्हारे साथ जो किया वो और भी गलत है। तुम्हें किडनैप करवा दिया, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था, हम सबको धोखे में रखा। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।